भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई में हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो ब्रुनेई गए हैं। ब्रुनेई में प्रधानमंत्री का ग्रैंड वेलकम हुआ। एयरपोर्ट पर क्राउन प्रिंस हाजी अल मुहतादी बिल्लाह ने उनका रेड कॉर्पेट वेलकम किया। इसके बाद उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ब्रुनेई की राजधानी बंदर सेरी बेगावन के होटल में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जा रहा है। ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकैया के महल में स्वागत की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसन अल बोलकैया आलीशान जीवन शैली के लिए जाने जाते हैं। सुल्तान के दाढ़ी बनाने में 16 लाख रुपए का खर्चा आता है। जी हाँ, 16 लाख रुपए। इसके अतिरिक्त बाल कटवाने पर महीने में 16 लाख रुपए का अलग से खर्चा होता है। उनका नाई लंदन से आता है। सुल्तान के काफिला में 7,000 गाड़ियों का काफिला शामिल होता है। ब्रुनेई जैसे छोटे देश में सुल्तान सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। उनको दुनिया का सबसे अमीर राजाओं में शुमार किया जाता है। फोर्ब्स के अनुसार बोलकैया की कुल संपत्ति 2008 में 1.4 लाख करोड़ रुपए की बताई गई थी। सुल्तान की विलासिता का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राजा बनने के बाद उनके लिए जो महल बनाया गया था उसके निर्माण पर 50 अरब रुपए खर्च आया था। इस महल को इस्ताना नूरुल इमाम के नाम से जाना जाता है। आप इस उदाहरण से सुल्तान के जीवन शैली को समझ सकते हैं। बोलकैया बुर्केन के 29वें सुल्तान हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के बाद बोलकैया सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले राजाओं में से एक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की उमर अली सैफुद्दीन मस्जिद देखने भी गए। प्रधानमंत्री को मस्जिद के इतिहास से जुड़ा एक वीडियो भी दिखाया गया। प्रधानमंत्री ने बंदर सेरी बेगावन में भारत के हाई कमीशन की एक चांसलरी का उद्घाटन किया। दोनों देश के बीच राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुल्तान के निमंत्रण पर इस समय ब्रुनेई में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा में भारत और ब्रुनेई के बीच कई समझौता भी होना है। इसमें हाइड्रोकार्बन के क्षेत्र में $270 मिलियन का निवेश शामिल है। प्राकृतिक गैस की जरूरतें पूरी करने के लिए इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच स्पेस टेक्नोलॉजी और हेल्थ सेक्टर में सहयोग बढ़ाने की कोशिश पर भी चर्चा होगी। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान भारत म्यांमार की स्थिति पर भी चर्चा होनी है। भारत ब्रुनेई के साथ समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग बढ़ाने पर जोर दे सकता है। इसके जरिए भारत इंडो पैसिफिक में चीन के बढ़ते प्रभुत्व को काउंटर करना चाहता है। ब्रुनेई एक समुद्री सीमा वाला देश है। देश के उत्तरी सीमा साउथ चाइना सी से लगती है। साउथ चाइना सी को लेकर ब्रुनेई का भी चीन के साथ विवाद चल रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ब्रुनेई दौरा भारत और ब्रुनेई के संबंधों पर दूरगामी असर डालने वाला है।